ग्वालियर का किला ध्वस्त करना कांग्रेस के लिए टेढ़ी खीर है, वो भी महाराज के बीजेपी में रहते हुए ये तो लगभग नामुमकिन ही होता। पर अब कांग्रेस को ग्वालियर विधानसभा सीट से सिंधिया समर्थक प्रद्युम्न सिंह तोमर को हराने का ब्रह्मास्त्र मिल गया। ब्रह्मास्त्र इसलिए क्योंकि कांग्रेस तो यही मानकर चल रही है कि जिस प्रत्याशी को वो ग्वालियर से उतारना चाहते हैं वो प्रद्युम्न सिंह को किसी सूरत में जीतने नहीं देगा। ये बात अलग है कि ये प्रत्याशी खुद ही पहले कहीं से कोई जीत हासिल नहीं कर सका। कांग्रेस जिसे ग्वालियर से टिकट देने पर विचार कर रही है वो व्यक्ति है अशोक सिंह। वैसे तो अशोक सिंह को कांग्रेस लोकसभा चुनाव का टिकट देती आई है, लेकिन वो कभी जीत दर्ज नहीं कर सके। उसकी वजह ज्योतिरादित्य सिंधिया को ही माना जाता है। दरअसल अशोक दिग्विजय सिंह के समर्थक माने जाते हैं। ऐसे में सिंधिया ने हमेशा उन्हें टिकट दिलाने की तो हिमायत की, लेकिन उन्हें कभी जीतने नहीं दिया। इस वजह से अशोक सिंह सिंधिया से खार खाए बैठे हैं। इसलिए भी कांग्रेस को यकीन है कि अपनी जीत के लिए खुद अशोक सिंह ही जी जान लगा देंगे और प्रद्युम्न सिंह को घर भेजकर ही मानेंगे। अब देखना यह है कि कांग्रेस इस विचार पर आगे बढ़कर फैसला ले पाती है या नहीं। ताजा खबरों के लिए लॉग इन, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें www.newslivemp.com।